हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गूगल क्रोम को ओपन करते ही आपको गूगल सर्च इंजन ओपन होना है, या अगर आप चाहते हैं गूगल क्रोम को ओपन करते ही आपको youtube.com ऑटोमेटिकली ओपन होना है। ये मुझे बहुत से लोगों ने जो है व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके पूछा था, और मुझे बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके इसके बारे में पूछा था, लेकिन मैं ये सॉल्यूशन जो है वन बाय वन सबको बताते नहीं रह सकता, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। एक वीडियो जो है बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, लेकिन ये बहुत काम की चीज है। इस वीडियो को पूरा देखें, डेफिनेटली आपको इस एक वीडियो में ही पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दो ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ गूगल क्रोम को। जैसे मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा एक स्मॉल जो है यूट्यूब का सिंबल आ चुका है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा youtube.com ओपन हो जाएगा। और किस तरह से करता है वो मैं आपको पहला ट्रिक बताऊंगा, और नेक्स्ट ट्रिक जो है किस तरह से आप गूगल क्रोम को ओपन करते हैं ऑटोमेटिकली जो है google.com ओपन हो जाएगा। पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं। यहां पर जो है आप जो भी वेबसाइट को ऐड करना चाहते हैं शॉर्टकट लिए, वो वेबसाइट को यहां पर आप ऐड कर सकते हैं। और किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जांपल मुझे यहां पर जो है canva.com ऐड करना है। पहले आपको इस URL में उस वेबसाइट को सर्च करना है जो वेबसाइट को आप यहां पर ऐड करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं canva.com पर यहां पर सर्च करता हूं और एंटर। उसके बाद जो है यहाँ पर आप राइट साइड में एक स्टार दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो भी शॉर्ट नेम देना चाहते हैं इसके लिए वो आप जो है यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ कैनवा, ओके। और उसके बाद जो है डन, जैसे मैं डन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप दे सकते हैं कैनवा जो है ऑटोमेटिकली मेरा ऐड हो चुका है। अगर मैं मेरे अभी गूगल क्रोम को मैं बंद करूं या मेरे लैपटॉप को मैं रिस्टार्ट करूं तो भी जो है वो canva.com यहीं पर रहेगा, वो नहीं जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं यहां पर दिखा देता हूं, मैं इसको क्लोज करता हूं और मैं और एक बार जो है गूगल क्रोम को ओपन करता हूं तो canva.com जो है यहीं पर रहेगा। जब भी मैं इसको क्विकली एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं इसके ऊपर क्लिक करते ही ये canva.com जो है ओपन हो जाएगा। थोड़े लोगों के गूगल क्रोम के अंदर एक प्रॉब्लम आ सकती है, ऐप ऐड करने के बाद भी जो है यहां पर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। तब आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट बी। आप प्रेस करते ही जो है आपको ये लाइन आ जाएगी, यहाँ पर आपको जो है पूरे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो वेबसाइट को भी आपने यहाँ पर ऐड किया है। ये था पहला ट्रिक्स। और नेक्स्ट ट्रिक जो है उसके लिए आपको क्लिक करना होगा इस थ्री डॉट्स के ऊपर और जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर आपको डाउन साइड में ऑप्शन मिल जाता है ओपन अ स्पेसिफिक पेज और सेट ऑफ पेजेस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और एड अ न्यू पेज। यहाँ पर आपको उस वेबसाइट को ऐड करना है जो भी वेबसाइट आप गूगल क्रोम को ओपन करते ही आपको इमीडिएटली जो है ओपन होना है। जैसे एग्जाम्पल मुझे गूगल जो है ऑटोमेटिकली ओपन होना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस प्लस के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा google.com और जो है इस URL को आपको कॉपी करना है। डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको पूरा URL मिल जाएगा। कंट्रोल ए देके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल और कंट्रोल सी दबा के आप उसको कॉपी कर सकते हैं, या आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद जो है सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर जो है उस वेबसाइट को आपको पेस्ट करना है, या आप राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, या आप कंट्रोल वी दबा के भी आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको ऐड पर क्लिक करना है। अभी मैं मेरे गूगल क्रोम को बंद करके ओपन करते ही जो है ऑटोमेटिकली google.com ओपन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं क्लोज करता हूँ और मैं ओपन करता हूँ google.com, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो है मेरा google.com आ चुका है। उस तरह से आप जितने भी आप वेबसाइट्स को ऐड करना चाहते हैं तो आपको डाउन साइड में ऑप्शंस मिल जाएगा ऐड, वहां पर जो है आप दो तीन वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हैं। google.com हो, youtube.com हो, facebook.com हो, जितने भी आप वेबसाइट को ऐड करना चाहते हैं उतनी वेबसाइट्स को आप ऐड कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सैफ है और मैं इस चैनल पर इसी तरह से टेक्निकल वीडियोस और मैं नॉलेजेबल वीडियोस यहां पर मैं शेयर करता हूं कंप्यूटर के रिलेटेड। अगर आप कंप्यूटर में बिगिनर, आप एक नए हैं लैपटॉप में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है बहुत ही स्पीडली मैंने बनाया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा जो है रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।